ये कुछ है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह पुर करें, ठीक है, ओके. सो कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं डैश हूं या डैश हूं, सियासतदान हूं या बिजनेसमैन हूं. ओके, सही, ठीक. और आजकल आपको ज्यादा जवाब क्या मिलता है सवाल का, कि मैं सियासतदान ही अच्छा था या बिजनेसमैन अच्छा हूं? नहीं, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने सियासत में भी इज्जत दी है और बिजनेस भी ठीक ठाक है. सही है. बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ डैश थे और शहबाज शरीफ डैश है, दोनों वजीर आजम रहे ना, तो एक तो है अभी भी. बतौर वजीर आजम नवाज शरीफ 3 मरतबा थे और शहबाज शरीफ सेकंड टाइम है. क्या बात है, अच्छा टाइमिंग का फर्क है. सही. और बतौर लीडर मरियम बीबी डैश थी, बतौर वजीर आला डैश है? बतौर लीडर वो मुस्लिम लीग की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर थी और अब वजीर आला हैं. सही है, ठीक है, नई वजीर आला हैं. नई वजीर आला. शबर जैदी साहब डैश इकोनॉमिस्ट हैं जबकि इसहाक डार डैश इकोनॉमिस्ट हैं. बिल्कुल सही है. आप सबके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगा. मुझे इजाजत दीजिए. नहीं नहीं सर, अब अगर फिल करना हो थोड़ी देर हमारी आवाज नहीं बढ़ा सके तो दोनों बड़े अच्छे अकाउंटेंट्स हैं. अच्छा, इकोनॉमिस्ट नहीं, अकाउंटेंट्स हैं दोनों, ठीक है. ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 कि जहां 1 कम है और 10 ज्यादा है, 2018 में पिछले इलेक्शन में डैश नंबर की धांधली हुई थी. ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 क्या नंबर हो देंगे आप धांधली के स्केल 18 में? 6. और ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 2024 में डैश नंबर की धांधली हुई है? 9. अच्छा ठीक है. आवाम से कहना चाहता हूं हैरान ना होइएगा अगर डॉलर डैश और पेट्रोल डैश पे चला जाए. पेट्रोल का तो ताल्लुक दुनिया में क्या प्राइस है उससे हो रहा है. अगर पेट्रोल इतना ही रहता है जितना है तो पेट्रोल भी बढ़ेगा नहीं. ओके, अल्लाह करे इंशाल्लाह. और डॉलर मेरे ख्याल से बजट आने तक या जुलाई तक यहाँ से बढ़ जाएगा थोड़ा सा. अच्छा खासा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा. अच्छा, 500 तक नहीं, 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 हो गया भाई, कैसी बात है? आपको पता है इकोनॉमी का कुछ तो आप क्यों बात कर रहे हैं? असलम डॉलर खरीद ले, डॉलर नहीं नहीं 500 इन्होंने कहा, उन्होंने नहीं कहा अगले साल के लिए. नहीं, यानी 5-10 रुपए शायद, ऐसा कुछ. हाँ, बिलावल भुट्टो मुखालिफ सही मगर डैश हैं, अच्छे आदमी हैं. अच्छा, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती डैश थी? कोई ऐसी गलती अल्लाह की मेहरबानी से हुई नहीं है. नहीं हुई है? अच्छा, अगर आप होनी है जिसमें डैश लगाए भी हो सकती है. अच्छा ठीक है. मेरा लीडर डैश है? देखिए, मैं लीडर्स तो बहुत सारे हैं, मैं नवाज शरीफ साहब को भी लीडर मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ. देखें, और उनके साथ काम किया है. अब जाहिर है कि हमारी राहें अलग अलग हैं, थोड़ी सी सोच मुख्तलिफ है. सही है. मेरी सोच शायद अब्बासी साहब से बहुत मिलती है. ठीक है. हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक राह चेंज करने की जरूरत है, तो इस हिसाब से. लेकिन वो भी है आपके? बिल्कुल है, मतलब एक रफाकत है, एक ताल्लुकात हैं, खराब तो नहीं. अच्छा, अगर क्विकली अगर आपने हाँ या ना में जवाब देना हो, ये हमने अक्सर लोगों से पूछा है, तो कराची के मेहमान होते हैं, तो चूंकि मैं भी कराची का हूँ तो मुझे पर्ची भी आई है और मैंने खाल भी दी है. हाँ या ना? खाल दी? खाल दी है. किसकी? किसकी? ऑप्शन था, अपनी दे दो. ऑप्शन दिया था, बड़ा अच्छा आदमी. अच्छा, ऑप्शन दिए थे? ऑप्शन जबरदस्ती नहीं थी. खाल चाहिए अपनी दे दो या भेड़ की दे दो. भाई इसकी ले आया, मेहरबानी करिए. अच्छा ओके, तो मतलब कुछ नजराना वजराना भी दिखाया आपको कुछ? नहीं, वो शर्ट के अंदर था. अच्छा बता दिया उसने, मगर कभी पर्ची नहीं आई. पर्ची नहीं आई, पर्ची नहीं आई, खाल वाले. ठीक है ओके. फारूक सत्तार साहब कल थे हमारे मेहमान, तो उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा को एक सीट कम मिली है. मैंने कहा 17 में, उन्होंने कहा नहीं मिला. तो अगर मेरा सवाल ये कि सही बात है, मैं भी मानता हूँ मुत्तहिदा को एक सीट कम मिली है, हाँ या ना? एक क्यों? मैंने सुना है कि नेशनल स्टेडियम की भी 6-7 सीटें इनको मिली हैं. लेकिन लेकिन मुत्तहिदा का ये मुकदमा मैं जरूर लड़ूंगा. हाँ. कि जो पिछली मर्तबा इनके साथ हाथ हुआ था. हाँ. और इन हमारे पीटीआई के भाइयों के साथ की वजह से हुआ था, वो इस बार इन्होंने सूद के साथ वापस किया. सही है. कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा मगर ये सच है कि अभी महंगाई की एक और लहर आनी है, हाँ या ना?
नहीं मेरा नहीं ख्याल। अच्छा ऐसा नहीं, अरे वाह अल्लाह करे, तालियां होनी चाहिए, दिल खुश हो गया। बल्कि मैं ये भी बता दूं कि जो फरवरी का नंबर आया है उसमें पिछले फरवरी से तो वो 23% महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन दिसंबर जनवरी से 0% महंगाई पड़ी है। तो ये मंथ टू मंथ जो है वो नंबर बड़ा अच्छा। यू थिंक द वर्स्ट इज ओवर? आई थिंक सो। अरे अल्लाह अल्लाह करे, जबरदस्त। यकीन है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, हाँ या ना? सब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल मुझे इसका यकीन नहीं है, मतलब बिल्कुल यकीन नहीं, मुझे यकीन नहीं है। सही है, मैं अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं हूं। मुस्लिम लीग नून से मैं एकदम पीछे हट गया हूं। मैंने कहा था, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि नवाज की हल्फिया कह सकता हूँ, नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। हाँ। आज भी इस बयान पे कायम हूं। 100% आप आज भी समझते हैं कि बेशक आपकी राय है जुदा हो, लेकिन आप उनको 100% मतलब देखिए मैं वो मतलब वो बिल्कुल मैं इस बात पे मानता हूं। ऑलराइट, और सर आखिरी ये वो जो फिल इन द ब्लैंक्स था ना कि आपने बताना है मेरा पसंदीदा शेर, वो शेर तो जो आपका पसंदीदा वो तो आपने छोड़ दिया, ये शेर और शायरी वाला शेर है तो मेरा पसंदीदा शेर डैश है, तो अब आप अपना पसंदीदा शेर सुनाइएगा ये और ये अपना पसंदीदा शेर सुनाएंगे, तो फिर आवाम जो है ये फैसला करेगी कि उनको किसका शेर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आवाम भी बता दे, 9.5 लाख आवाम आई भी है, आमतौर पर 10 लाख लोग आते हैं तो आज रकम है तो हाँ। तो इरशाद, इरशाद मतलब इरशाद, इरशाद आप चाहे तो मेमनी में भी शेर सुना सकते हैं, जैसे चाहे सुना सकते। वैसे मेमनी की भी शायरी होती है, होती है। हाँ, मैंने कुछ शेर याद है मेमनी का, वैसे मुझे कुछ शेर याद नहीं। मेमनी की शायरी जो होती है बड़ी लो टैक्स की शायरी होती है। अच्छा, बस वो सास बहू के बारे में शायरी होती है। अच्छा, इश तो मेमनी में नहीं होता ना, मेमनी में इश नहीं होता, में कोई जबान ही नहीं, मेमन जबान में प्यार या इश्क का कोई वर्ड ही नहीं है। तो उनको तो, लेकिन ये तो कुदरती एक फीलिंग है। आपको पता है पैसे और रुपए को कितने सारे वर्ड्स हैं, सारी शेरों सारी ट्रांजैक्शन पे बहुत है। उर्दू में सुना दे, तेरे नाल प्यार गनी गिन, प्यार छ 10 रुपए गनी गिन। एक जॉन एलिया का शेर है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। वाह, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं कहा आपने क्या, आपने जब से उनको छोड़ा है आपको नहीं, नहीं, नहीं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ा पता करें। आप सुनाएंगे सर शेर? वसीम भाई शेर मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन मैं आज शेर छोड़े, आज मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब मैं आज सुबह जब उठा हूँ तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये कैसे हुआ है। मेरी जो मुर्गी है ना, उसने अंडा दिया, तो ये क्या बात है, इसमें क्या कमाल की बात है जो आप कर रहे हैं, मुर्गी अंडा ही देती है, इसमें कमाल की बात क्या है? कमाल की बात नहीं है तो आप दे के दिखा दो। अगर इतना ही आसान लग रहा है तो दो दो अंडे तो ऑमलेट बना के दे दो। आपकी नजर ये शेर है चंद पंखड़ियां के, सर चंद क्या पंखड़ियां के, मेरा बहुत प्यारा कुची कुची प्यारा खरगोश। सर क्या शेर है, क्या उन्होंने इतना मयारी शेर सुनाया जोन साहब? जैसे मुझे भाई इकोनॉमी आती मेरे शेर भी हुई। अच्छा ठीक है, लगा लो। अच्छा ठीक है, मेरा बहुत ही प्यारा प्यारा कुची कुची खरगोश बुरजोश। बुरजोश सही, क्या क्या आपने वो भाई, इसी पे शायर ने कहा है कि वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरा गम खाता है। अच्छा, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरा गम खाता है। हाँ। मुझे नजीब की आंखों में वसीम बदामी दिखाता है। इस हाथों ये किन के बीच में छोड़ के जा रहे इस हाथों मैं इस हाथों के हवाले करके जा रहा हूँ आपको वसीम भाई। आज क्या है ये भेड़िए, इस हाथ दो इस हाथ लो, इस हाथ दो इस हाथ लो, को मुझे भी दो।
है उनकी इंडस्ट्री है, वो इस ब्रांड का इनकी इंडस्ट्री है बुरी यार इसकी ओनर है। सर मैं इससे पहले कि आवाम में सर्वे कर रहा हूँ, आप बता दें मुल्क को वजीर आजम मिल गया है, बहुत सारी वजारतों का आइडिया हो गया, वजारत खजाना का फैसला नहीं हुआ है अभी तक, तो कौन अच्छा कौन वजीर खजाना हो सकता है आपके? अच्छा वजीर खजाना एक बहुत अच्छा हैंडसम लड़का मेरी नजर में है। अच्छा इसी शहर में, इसी कराची में, इस वक्त भी कराची में, इस वक्त भी कराची में, बहुत हैंडसम, ओके गुड लुकिंग, ओके ब्लैक सूट पहन रहा है, अच्छी वाली टाई पहन रहा है, उधर टाई नहीं पहन रहे, अच्छा इधर टाई पहन रहे, अच्छा बहुत अच्छा लड़का, आप जरा नजर सानी करो उस लड़के पे, अगर आप बोलोगे तो मैं उस लड़के से हाँ भी करवा लूंगा। अच्छा आपके सामने जो है ना, आपके सामने जो बैठे हुए वजीर खजाना के लिए बेहतर उम्मीद, बड़ा क्राइसिस में मुल्क इस वक्त, बेहतर उम्मीदवार कैसे चुन सकते हैं? बेहतर सीरियस तजवीज है, बेहतर उम्मीदवार चुनने का देखो एक ही तरीका है सीरियस। हाँ आप पुगम कर लो, अगर पुगम नहीं कर सकते सर नहीं कर सकते ना, वजीर खजाना बना आप पर्चियां डाल लो, अगर पर्चियां भी नहीं डाल सकते तो फिर सबसे अच्छा वजीर खजाना वो होगा जो इस जगह को हाथ लगा के जैसे लेकिन वो मैंने देखा कुछ मुझे इकोनॉमिक संबंध नहीं ज्यादा, कुछ मुल्कों में उन्होंने बड़े बड़े नोट बंद किए, मुझे भी नहीं है, हम खुद माल आगे से उठा रहे। अच्छा तो नोट बंद किए कुछ मुल्कों ने बड़े बड़े नोट, तो वो करने चाहिए बंद करप्शन रोकने के लिए? मैं भी जब अगर मुझे मौका मिला तो मैं बंद कराऊंगा। अच्छा मैं आवाम से जरा फैसला ले लूं कि आवाम को किसका शेर जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, 9.5 लाख आवाम से, तो जिनको ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजा दें। ये बंदा ढूंढ के दो जिसने मेरे लिए ताली बजाई। अच्छा, आपको भी नहीं आई? मैंने खुद अपने शेर के लिए नहीं बजाई। अच्छा सही है, जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे सही है। अच्छा और जिनके ख्याल में सर ने सबसे अच्छा, अरे शुक्र है यार, ओह माय गॉड, ऑडियंस नॉर्मल है, शुक्र है एक हफ्ते से ये जीत नहीं रहे, वरना गुरूर का अलग ही आलम होता। अरे अब मेरी जीत का वक्त खत्म हो गया, अब किसी और की जीत का वक्त शुरू हो गया, वो जीत गया। वो लिखवा गया है वो बन गए। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता सर। क्या नहीं हो सकता? कह रहे कि वसीम भाई जब हफ्ते में उनको टंगड़ी देनी है 50 रुपए दूंगा। नहीं हो सकता सर। क्या तो सर में हमारे साथ मिफ्ता साहब मौजूद है, तो सर हमने आवाम से एक सवाल किया, ये 9.5 लाख लोग जो आए हैं उनसे, तो उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए, जो 4 जवाब सबसे ज्यादा है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो आपसे भी मैं सवाल पूछता हूँ, आप किससे मशवरा कर सकते हैं, एंड देन यू टेल मी दोस 4 आंसर्स 1 by 1, तो फिर देखते हैं आपके और आवाम के जवाब कितने मैच करते हैं या नहीं करते। तो बढ़ते हैं मासूमाना ओवर की दूसरी गेंद की जानिब, चले जी। क्या है सवाल, क्या है भाई, अगर आवाज प्लीज थोड़ी बढ़ा सके, दोस्तों की तकरीब में जाने से माजरत का मारूफ तरीका क्या है? कि दोस्त ने आपको बुलाया घर में किसी तकरीब में, जिस रात मेरे घर में तकरीब आप नहीं आए, तो क्यों नहीं आए थे? क्या मैं सो रहा था। अच्छा और मेरी अम्मी भी इजाजत नहीं देती है जी, मेरी अम्मी कहती ना मेहरम के घर नहीं जाते। मेरे लास्ट टाइम हम आए थे, हाँ तो क्यों आए थे यार? रीजन ये होता है गैदरिंग मुझे पसंद नहीं है, गैदरिंग कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा जी, घर वाले इजाजत नहीं देते, घर वाले इजाजत नहीं देते, ये खुद का डिसीजन होता है। आप क्या बहाना बनाते हैं? जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ। जल्दी सो जाते हैं आप? नहीं आमतौर पर लोग ये बहाना बना देना जी भाई, क्या गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हुआ, सोचा था आऊं लेकिन प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी खराब हो गई, फंस गया था कहीं, फैमिली के साथ भी, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, छोटी बेटी, सही ठीक है, शादी तो तुम्हारी नहीं, आपकी तो शादी नहीं हुई। नहीं नहीं लोग बोलते हैं। अच्छा ठीक, लोग बोलते हैं। सबसे मशहूर मेरे अंकल की डेथ हो गई है। हाँ ये वैसे गलत, हमने पहले भी कहा था कि ये वाला बहाना नहीं बनाना। नहीं 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 भाई, वो कह रहे लोग ही बहाना बनाते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, झूठ। हाँ गलत बात, आपका क्या ख्याल है वैसे लोग आमतौर पर? मेरी कमर में खारिश हो रही थी इतने नहीं है, दरवाजे के साथ खड़े होकर यूं कर रहा हूं। आपको अगर ना जानो किसी तकरीब में तो आप क्या? आमतौर पर लोग बोलते हैं कि कहीं और कमिटेड था, मसरूफ था, कहीं और कमिटेड था यार। वो भी तो होता है यार, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती यार, मैं कहां से आऊं तुम्हारे घर यार, डॉलर के रेट बढ़ाने थे मैं ही आ सका है। अच्छा इसकी कमर का मान रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे। अच्छा सर सॉरी, आपका भी मशवरा ठीक है। सो आप कह रहे हैं पहला जवाब लोग कह रहे हैं कि मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका, कहीं और बिजी था। मैं बताया इसमें मसरूफियत वाला कोई है जवाब? अगर है तो खोल दे डब्बा वरना क्रॉस लगा दें।
मसरूफ ऑफिस की मसरूफ याद सही है ठीक है ओके सही है और क्या हो सकता है और तुम्हारी अम्मी मुझे डांटती हैं यार इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आता हाँ ना अम्मी डांटती तो आपके कौन दोस्त है क्यों डांटती उनकी अम्मी आपको भाई रात में कौन सी मसरूफियात होती है ऑफिस की भाई अब क्या हम नहीं होते ऑफिस में मसरूफ रात को होते हैं आप नहीं अभी बिजी भाई ये एज अ जॉब मैं तो गवर्नमेंट जॉब का बोल रहा पर मैंने शो होस्ट करना होता है आज से 5-6 दिन बाद करूं ना करूं मुझे नहीं पता मेरे कोई और खड़ा हो अभी तो मैं होस्ट कर रहा हूं ऐसे ना करो मैं पागल हो जाऊंगा साल के ऐसे पूछ रहे थी बातें ना साल के ठीक है का बटन है इतनी बातें बचा निकालो आपने जैसे ही कहा इधर से आवाज आई आमीन ये याद रखिएगा एक शख्स ने कहा था वो जान देगा अगर कोई और आया ये याद रखिएगा बस सही है याद इसी बहाने जान छूट जाएगी तो और क्या हो सकता है मुफ्ता और क्या वो भी होता है बेगम को आज लेके जाना उसके घर यार मैं तो चले ही जाता हूँ हर जगह पे लेकिन तबीयत लोग आमतौर पे तबीयत सही तबीयत तबीयत की खराबी अच्छा बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है किसी ना किसी की तबीयत खराब कर देते हमने जो लोगों से पूछा उसमें ये जवाब आया या नहीं आया अगर तबीयत की खराबी का कोई ऑप्शन इसमें है तो खोल दे वरना क्रॉस लगा दें अगर ये अच्छा भाई हमने सारे सेहतमंद लोगों से पूछा जैसे मैं एक्चुअली आपके घर पे जब मैंने पिछले दिन आना था तो वाकई में बारिश हो रही थी कराची में फंस गया था मैं गाड़ी में तो ये भी होता है और हमेशा लोग बारह में नहीं मना रहे बारिश में वीगो खराब नहीं होता मैं अपनी छोटी गाड़ी में आया था एक्चुअली खराब नहीं होती कामरान भाई लेकिन रेंट वाली हो जाती तो गाड़ी रेंट का काम भी करते हो सर रेंट की गाड़ी लेता हूँ कभी दोस्तों के जाना तो रेंट की गाड़ी में इसी तरह तो सर नौकरी पेशा लोग हैं सर शो होस्ट करते हैं चले जाते हैं आज है नौकरी कल नहीं है क्या बताया और कितना कुछ मिलता होगा 1500 ही मिलता होगा यही बस बड़ी बड़ी गाड़ी हल्की सी आवाज आई आमीन नहीं करो भाई जनरल बात कर रहा हूं I also started enjoying the discussion इनके मेरे अलावा सबको मजा आ रहा है इनके दिल में है कि 4 दिन बाद गाड़ी खराब हो तो गाड़ी खराब का ऑप्शन आपको लगता है लॉक करें देखें या कोई और ऑप्शन बेगम को उसके मैके लेके जाना है पता नहीं भाई क्यों मैंने लेके जाना है मेरी मर्जी मेरी बेगम आपकी शादी नहीं हुई आपकी अच्छा हाँ किसी हाँ। और की होगी फिर भाई आप खुद कह दो यार खुद कह दो आप क्या कह रहे हैं कह रहे स्पाइक्स लेके दो भाग के आना यहाँ से कामरान भाई से अगर सब कह रहे हैं तो जो लोगों की आवाम की राय के साथ आप जाते हैं के गाड़ी खराब गाड़ी की खराबी है तबीयत की खराबी तो नहीं है गाड़ी की अच्छा गाड़ी खराब है ओके सही अच्छा ठीक है तीसरे का मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि वो शादी या बेगम से रिलेटेड कुछ है शादी और वलीमा मेहंदी नहीं नहीं बेगम की फैमिली में से शादी आप है आप नहीं समझ रहे बेगम की फैमिली में कोई शादी है ससुराल में कोई फंक्शन ससुराल में फंक्शन है चलो तो कह रहे हैं लोग ससुराल का कोई ना कोई बहाना बनाते अच्छा, हैं नजीब क्या कह रहा है क्या उसकी दूसरी शादी इशारे कर रहा है अच्छा वैसे बोल भी वही रहा जो चांस ले रहा है भाई ससुराल से रिलेटेड कोई ऑप्शन है यहाँ पे अगर तो जो मुफ्ता साहब ने कहा अच्छा ओके मैं कह रहा था ना यानी ससुराल का बहाना बहुत हिट है जी जी ओके आखिरी जो है ना वो डायरेक्ट बराह रास्त बेगम से रिलेटेड है मेरी बेगम मारती है क्या मेरी बेगम मारती है इसलिए मैं घर नहीं आ सकता ये तो जाने का रीजन है इसे तो बंदा जाता है इस वजह से तो हाँ बेगम को भी इनवाइट करें क्या बेगम को भी इनवाइट करें वरना नहीं आऊंगा और क्या होता है बेगम से रिलेटेड बेगम की तबीयत सही नहीं है तबीयत यार आप तबीयत से निकलने आए हो ठीक है आप का ताल्लुक मुस्लिम नून से रहा लेकिन तबीयत के अलावा और भी मसाया है बेगम को कहीं उसके दोस्त के घर लेके जाना है या घुमाने फिराने लेके जाना है बेगम को कहीं लेके जाना बेगम को कहीं लेके जाना है बेगम को कहीं लेके जाना है जमा कराना है जमा कराना भाई बेगम को कहीं लेकर जाना है चलो ये ऑप्शन है या जो भी ऑप्शन है वो दिखा दें क्या है ताकि पता है सही है गलत है बेगम को शॉपिंग में लेके जाना है सही है ठीक है वेरी गुड आप वैसे कभी भाभी को शॉपिंग में लेके आखिरी मरतबा कितने 100 साल पहले गए होंगे सीरियसली याद नहीं है मैं है ना मैंने इसी 7-8 साल हो गए होंगे हाँ हाँ आराम से आराम से आराम से 12-15 भी हो सकते हैं हाँ हाँ 18-20 भी हो सकते हैं
देखिए 18-20 साल पहले कभी ना कभी रमजान में ईद की शॉपिंग पे शायद निकले हूँ, उसके बाद उसके अलावा तो भाभी उस वक्त के कपड़े आज तक चला रही है। नहीं नहीं सर, बड़े इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी ने शॉपिंग ही नहीं की, इनके साथ नहीं। अच्छा, ये नहीं लेकर गए सर, बड़े लकी हैं। इतना टाइम भाभी लकी है ये लगे हैं। और इसकी वजह कि लोग अब मिलेंगे मतलब क्या? नहीं नहीं कोई नहीं, कोई वजह नहीं, मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग पे, उसका थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट। लेकिन बेगमात तो इसरार करती है ना कि आप साथ चलें और ये और वो। नहीं वो बेगम का मेजी कोई वो नहीं, हम एक्चुअली कभी अगर पाकिस्तान के बाहर भी कहीं मॉल में हूँ तो मैं अक्सर बुक शॉप पे चले जाऊंगा। अच्छा, और वो चले जाएगी शॉपिंग पे, या कोई मैं और मेरा अगर बेटा मेरे साथ है तो वो और मैं और बेटा बैठ के कहीं खाना खाना शुरू कर देंगे। तो 15-18 साल हो गए आप आखिरी। अच्छा, आपकी तो शादी नहीं हुई। हाँ, आप कब गए हैं आपकी भाभी के साथ? मैं आखिरी दफा अपनी शादी पे गया था। शॉपिंग आप जाते हैं नजीब भाई शॉपिंग पे? कम, रिलेटिवली कभी कभी जी। वासिफ भाई 100% ये शॉपिंग भी रहती है उनके साथ, आज ही कर रहे हैं। बीवी नहीं होती है, चले आप क्या करते हैं? मैं तो 10-15 दिन बाद जाता रहता हूँ शॉपिंग में। हाँ जी, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ। बड़ा पैसा है भाई, बड़ा वो हुक्म करते मैं चला जाता हूँ। अच्छा, पैसे का सारी पैसे की मस्ती है। नहीं, इसको पॉजिटिव लेके फैमिली मैन है ना, इस तरह लेना, इसको पॉजिटिव ले। पैसा आपकी शादी नहीं, आपको नहीं पता? नहीं मालूम, नहीं ना पता। हमें पता है ना बीवी के साथ किस तरह। ये आपने आंसू पोंछते रहे क्यों का नहीं पता? जो दस पंद्रह दिन के बाद जाएगा उसके आंसू निकलेंगे। ऑलमोस्ट, लेकिन सारे जवाब एक आध के अलावा सही बताए तो बतौर मजमू अच्छा खेला है। तालियां बजाती तो